सो हेलो तीन तिगाड़ा के दीवानों, तो कैसे हो आप सब। तो आज भी मेरे पास काफ़ी सारी अपडेट्स है आप सभी के तीन तिगाड़ा से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैम के बारे में। तो सैम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो रील्स वीडियो शेयर किए हुए हैं जो कि काफी ही मस्त है। तो चलिए मैं आप सभी को वो दिखा देता हूँ। हेलो बेटा जी। हाय आंटी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अब देखो आपकी दोस्त की भी शादी हो रही है। अरे तुम सब छोड़ो, तुम हमें बताओ, लड़का नहीं मिल रहा है या कोई और प्रॉब्लम है? अरे हम सब सॉल्व कर देंगे बेटा। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर, सीधे सीधे बोलो, गॉसिप चाहिए। हे भगवान, अब कैसे निकलूं यहाँ से। अरे आंटी जी, आप यहाँ खड़ी हैं? वहाँ जाकर देखिए, दुल्हन भाग गई है। दुल्हन भाग गई मतलब ढेर सारी गॉसिप। हाँ ठीक है, हम अभी जाके देखते हैं। थैंक गॉड तुम्हारे प्रैंक ने मुझे बचा लिया, वरना तो आंटी के सवाल मुझे मारे डालते। प्रैंक तो दुल्हन ने दूल्हे के साथ खेला है। क्या मतलब? अरे दुल्हन सच में भाग गई। क्या? हाँ। तो दुल्हन भाग गई किसके साथ? वो तो तुम बताओगी ना, दोस्त तुम्हारी है, गला पकड़ के तुम्हारा, ये सारे लोग। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। आप क्या बोल रहे हो आप? मैं तो यहाँ बस खाना खाने आई हूँ। एक मिनट, एक मिनट, अब ध्यान से सुनो। अब इससे पहले कि तुम्हारे वो 101 शगुन के बदले तुम्हें 101 सवाल पूछे जाए, निकल लो। ठीक है, मैं निकल लेती हूँ। अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? उसकी मम्मी है। ट्रॉमा बाल बचे। अरे वहाँ चाचा जी खड़े हैं। अरे चक्कर आ रहा है। अरे डोंट बेहोश, डोंट बेहोश। नैनों की खाट ले जा, नैनों की नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को सैम का कौन सा रील वीडियो पसंद आया है कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। साथ ही वो उदयपुर गई हुई थी शूटिंग के लिए, फोटो शूट के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे रील वीडियो भी शेयर किया हुआ था, वो भी सब आपने देखा। कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड बात कर लेते हैं उनके स्टोरीज के बारे में। तो आप सभी अपने स्क्रीन पर एक बाई एक कर वो स्टोरीज देख ही सकते हैं जो कुछ भी उन्होंने स्टोरीज में शेयर किए हुए थे। साथ ही उन्होंने स्टोरीज में कुछ वीडियो भी शेयर किए हुए हैं। तो चलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यही थी कुछ सैम की तरफ से अपडेट्स। एंड अब हम बात कर लेते हैं स्माइल किंग यानी कि विशाल के बारे में। तो विशाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील वीडियो शेयर किया हुआ है फ्रेंड्स के ऊपर। तो चलिए मैं आप सभी को वो दिखाता हूँ। और दोस्तों, बात कर लेते हैं उनके स्टोरीज के बारे में। तो उन्होंने इसी रील को स्टोरी में शेयर किया हुआ है जो कि आप देख लीजिए। तो ये थी कुछ हमारे स्माइल किंग की तरफ से अपडेट्स। एंड अब हम बात कर लेते हैं भाविन के बारे में। तो भाविन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई सा भी फोटो और रील तो शेयर नहीं किए हुए हैं, बट उन्होंने कुछ स्टोरी शेयर किए हुए हैं जो कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, भाविन होस्ट करने वाले हैं जिसने अवार्ड 2023 को, जो कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, उन्होंने ये शेयर किया हुआ था। तो इसके लिए हमारे तरफ से भाविन को बहुत सारी बधाइयां। और दोस्तों, आप सभी भाविन के इस अचीवमेंट के लिए कितने खुश हैं कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। एंड यही थी कुछ भाविन की तरफ से अपडेट्स। एंड अब हम बात कर लेते हैं ऋषि के बारे में। तो ऋषि ने कोई सा भी स्टोरी शेयर नहीं किए हुए हैं। वहीं बात करते हैं अदनान के बारे में। तो अदनान ने एक रील वीडियो शेयर किया हुआ है, तो चलिए आप सभी को दिखा देता हूँ। राइडिंग अ सुपर बाइक फॉर द फर्स्ट टाइम। और दोस्तों, उन्होंने कुछ स्टोरीज भी शेयर किए हुए हैं जो कि आप सभी अपने स्क्रीन पर एक बाई एक कर देख सकते हैं, जो कुछ भी उन्होंने शेयर किए हुए थे। साथ ही उनके यूट्यूब पर एक वीडियो भी आउट हुआ है, तो आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सभी जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, वहीं बात करते हैं नेहा के बारे में। तो नेहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3-4 स्टोरी शेयर किए हुए हैं जो कि आप सभी अपने स्क्रीन पर एक बाई एक कर देख सकते हैं। एंड नेहा ने कोई सा भी फोटो और रील वीडियो शेयर नहीं किए हुए हैं। तो यही थी कुछ इनके तरफ से अपडेट्स। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर लीजिएगा। मैं आप सभी को डेली तीन तिगाड़ा से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।